एक साल पहले जब मैं यहाँ लाइसेंस लेने के लिए कार का टेस्ट दिया था, रिटर्न टेस्ट भी होता है और अपना रोड टेस्ट भी होता है। कराची में तो चूंकि हम 35-40 साल से कार चला रहे थे, लेकिन यहाँ का एक तरीका ही डिफरेंट है, बहुत रूल एंड रेगुलेशन पे चलना होता है, तो यहाँ टेस्ट देना होता है, पास करना होता है। रिटर्न के 50 सवाल होते हैं, एक बड़ी किताब है 100-150 सवाल की, उसको याद करनी होती है। फिर रोड टेस्ट देना होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर साथ बैठा होता है, वो आपको चेक करता है कि सही चला रहा है नहीं चला रहा। इसके बाद आपको यहाँ लाइसेंस मिलता है। बगैर गाड़ी के तो यहाँ ऐसा है कि जैसे इंसान के पैर ही नहीं है। यहाँ ड्यूटी नहीं है तो वहाँ हमारी करोड़ों की गाड़ियाँ जो है ना, यहाँ चंद डॉलरों में है। तो जब मैं ये, चूंकि घर से पास ही है, तो मैं जब अपनी प्रैक्टिस करता था तो उस वक्त तो यहाँ प्रोग्राम जैसे आज नहीं होता, तो सन्नाटा होता था यहाँ पे। तो मैं इधर और इसके बैक साइड पे बहुत बड़ी जगह है, वहाँ मैं अपनी ट्राई करता था, ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करता था, मैं और मिसिज दोनों। खैर मेरी मिसिज को भी लाइसेंस मिल गया, मुझे भी मिल गया, बच्चों को भी मिल गया है, मगर मिसिज जो है वो जरा थोड़ा सा वो खौफ खा रही है, नहीं चलाती, क्योंकि यहाँ रोड पे बहुत, हाईवे पे बहुत चलाना थोड़ा सा डेंजरस है, बहुत फास्ट चलाते हैं हाईवे पे। मगर मैं एक साल से मुतवादे चला रहा हूं, कराची का भी 35-36 साल का मुझे तजुर्बा था, और वैसे तो ठीक है, जो पाकिस्तान में जो गाड़ियां चला ले उसे तो दुनिया में कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकता, तो हम ये चलाते रहे। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, जब यहां मैं अपनी प्रैक्टिस करता था ट्रेनिंग की, तो इस इलाके में जो है ना, हम शाम में आते थे इसी वक्त में, तो बाकायदा हिरन, कई हिरन है यहाँ पे, निकल आती थी, हिरन काफी है यहाँ पे इस इलाके एरिया में, मगर ना कोई इसे पकड़ सकता है ना कोई छेड़ सकता है, सख्त कानून है। तो अभी तो चूंकि पब्लिक बहुत ज्यादा है, तो डर के मारे हिरने कहीं इन बागात में, जंगल ये जो है दरख्त के अंदर ही छुपी होगी, बैठी होगी, तो बाहर आ नहीं सकती, मगर जब ये प्रोग्राम ना हो तो फिर ये लोग सब आ जाते हैं हिरन। ये व्यू देखने आप, पैसेक काउंटी है और हमारा हेल्डन टाउन है, तो 14-15 टाउन मिलके ये काउंटी बनाते हैं, तो पैसेक काउंटी ने और हमारे टाउन ने मिलके ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, और ये मैनचेस्टर हाई रीजनल हाई स्कूल में किया, ये प्रोग्राम मैनचेस्टर रीजनल हाई स्कूल में ये प्रोग्राम किया है। देखिए कितना, और बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा और बड़ा खूबसूरत। मिसेज ने कहा जैकेट पहन जाओ लेदर की, मैंने कहा नहीं, इतनी सर्दी भी नहीं है कि मैं जैकेट पहनूं, ये भी थोड़ा मकसद है कि जैकेट जैसा ही है। देखिए आप, ऊपर से व्यू दिखाना था इसलिए मैं ऊपर आया।
कितना खूबसूरत और हसीन नजारा मंजर नजर आ रहा है। दिल बाग बाग हो जाता है माशाल्लाह, साफ सुथरा और देखें सब पीसफुल, कोई शरारत नहीं, सब डिसिप्लिन के साथ यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी ऐसा ही बना दे। दुआ भी करने को जी नहीं चाहता सियासतदानों के लिए कि इनको अल्लाह ताला के ये सीधे रास्ते पे लाए। अल्लाह ने भी इनको छोड़ा हुआ है बिल्कुल ही, लूट मार करके लूट के खा चुके हैं मुल्क को। आप यकीन करें जो पाकिस्तान से बच्चे आते हैं ना यहाँ के, वहाँ के अगर समझ लो डी ग्रेड या थर्ड ग्रेड के बच्चे जो है ना यहाँ सबसे अव्वल नंबर होते हैं, इतने जहीन होते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है ना, कोई कोटा सिस्टम नहीं है, जो जिसमें चाहे दाखिला ले। 100 लड़के चाहे 100 लड़कियां चाहे कि डॉक्टर बनना है तो बन जाएंगे, इंजीनियर बनना है तो बन जाएंगे। यानी कोई हमारे यहाँ सीटें नहीं है, हर एक को दाखिला मिलेगा और जितने लोग चाहे इसमें एडमिशन लेंगे। इसीलिए ये रूलिंग करते हैं पूरी दुनिया में, ये मुल्क में हर एक को मजहब की आजादी है, हर एक को जीने का तरीका है, कोई कोई इसी को मना नहीं कर सकता। हर तरह की आजादी है, जिस मजहब में चाहो रो, जिस तरह रो, मजे से रो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई तासुब नहीं है यहाँ इस मुल्क में। हर आदमी हेल्प करने के लिए तैयार होता है, आप किसी को और खुश और मुस्कुरा के जवाब देता है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट है ना, वो तो जो मिलेगा सामने से वो आपको ये कहेगा। इसलिए ये मुल्क इतने तरक्की पर है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी पूरी दुनिया में तरक्की अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सलाम अलैकुम। चले रात होने लगी है, 8:15 हो रहे इस वक्त, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी घर की तरफ चला जाए, तो घर की जानिब रवानगी है। मैंने बताया था कि बस वॉकिंग 5-7 मिनट के डिस्टेंस पे ही मेरी रिहाइश है, तो मैं सोच रहा था गाड़ी लेके आऊं, मगर मैंने कहा कि अब इतने कम फासले पे जाने के लिए क्या गाड़ी निकाली जाए, तो पैदल ही चला जाए। मौसम भी अच्छा था, ठंडा ठंडा मौसम है, हवा चल रही है, देखिए कितना खूबसूरत मंजर पेश हो रहा है ये, तो फिर पैदल ही मैं निकल आया था। अब 3 मिनट हो गए हैं, मुझे तकरीबन 4 मिनट और चलना है और फिर मेरा हाउस नजर आ जाएगा आपको। अभी सईद रिजवी साहब का भी फोन आया था, जो फिल्म साज अदायदकार विजुअल इफेक्ट क्रिएटर है, कराची से आए हुए हैं अमेरिका में अपनी फिल्म को डिजिटलाइज करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि बस मैं 5-7 मिनट में घर पहुंच रहा हूं, तो आपसे जरा तफसील से बात होगी। 1 हफ्ता 10 दिन हो गया है उनको आए हुए, तो शाम में मेरी डेली उनसे फिर तफसीली बातचीत होती है कि इन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस की अपनी फिल्म के बारे में। इस वक्त हॉलीवुड में है वो, वहां अपनी पिक्चर को डिजिटलाइज करा रहे हैं, तो साउंड इफेक्ट सब चीजें इसमें डला रहे हैं। जदीद तकाजों के मुताबिक फिल्म सरकटा इंसान और बता रहे हैं, और दूसरे दोस्तों ने बताया कि बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आया है फिल्म का। देखें इनका इरादा अभी मुहर्रम के बाद सोएब के बाद रिलीज का इरादा है। सरकटा इंसान पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म, अब दोबारा जदीद तकाजों के मुताबिक आ रही है। सईद भाई ने तो वैसे भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अल्लाह ताला इनकी अपनी ये काविश भी जो करने आए हैं अमेरिका में, अमेरिका में खैर इनकी फैमिली भी है, यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह
वगैरह सब हैं, अच्छी जगहों पर हैं। कराची में भी इनका स्टूडियो है। बस ये आ गया, समझ लो मेरी रिहाइश इन हाउसेज में है। सामने जो आपको ये हाउसेज नजर आ रहे हैं, चले फिर दूसरी वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।